दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बहुत शानदार बुक की समरी शेयर करूंगा। इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसके दो बाप हैं, एक अमीर और एक गरीब। ये किताब लिखी है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। इसकी 32 मिलियंस कॉपी बिक चुकी हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं कि 3.25 करोड़ जिस पुस्तक की प्रतियां बिकी हो वो कितनी अच्छी होगी। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक भी रही है, आलोचना इसकी बहुत हुई है। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको इस किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए। कहानी शुरू होती है खुद लेखक से। जब लेखक 9 साल का था तो उसके पिता, जो कि एक टीचर थे, अध्यापक थे, जो कि PhD थे, एजुकेशनिस्ट थे, और उसके दूसरे पिता यानी उसके दोस्त के पिता, जो एक बिलियनर थे, बहुत अमीर व्यक्ति थे, अमेरिका के कुछ गिने चुने अमीर लोगों में उनका नाम आता था। तो लेखक के ये दो पिता थे, एक उसका खुद का पिता और दूसरा उसके दोस्त का पिता। वो अपने पिता को गरीब पिता कहता है और अपने दोस्त के पिता को अमीर पिता कहता है। दोस्तों, कहानी बड़ी ही रोचक है। कहानी शुरू यूं होती है कि कियोसाकी अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त के पिता के पास जाता है और कहता है, अंकल हमें आपसे अमीर बनने के गुण जानने हैं, अमीर बनने के राज जानने हैं, आप हमें इसकी शिक्षा दें। पहले तो वो नानुकुर करते हैं, लेकिन उनका साहस, उनकी हिम्मत देखकर वो तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस समरी में वो 5 टिप्स बताऊंगा जो आपको अमीर बना सकते हैं, आपको दौलतमंद बना सकते हैं। दोस्तों, पहले तो जानते हैं उन दोनों पिताओं के बारे में कि उनकी सोच में क्या फर्क है। जो रॉबर्ट टी कियोसाकी के पिता हैं वो PhD होल्डर हैं, वो एक टीचर हैं, लेकिन उनकी फाइनेंस को लेकर सोच बिल्कुल अलग है। वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख कर जॉब के लिए तैयार होना चाहिए, एक अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए ताकि उसका जीवन बढ़िया से चल सके। लेकिन क्या ये जीवन बढ़िया चल पाता है? दूसरी तरफ वो पिता हैं जो बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, लोगों को जॉब देना पसंद करते हैं। वो 8वीं क्लास भी पास नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं उन 5 टिप्स के बारे में जो आपको अमीर बना सकते हैं। पहला, डोंट ट्रैप योर सेल्फ इन रैट रेस। अपने आप को इस चूहा दौड़ में मत फंसाइए। हम सारी जिंदगी काम करते रहते हैं और इस वीसीएस साइकिल में फंसते चले जाते हैं। फियर और डिजायर या फियर और ग्रीड ही वो चीज़ें हैं जो हमें इस चूहा रेस में फंसाने का काम करती है। हमें इससे बाहर आना है, हमें दौलतमंद होना है। यदि हम अपनी फाइनेंस वाली सोच को बदल दें तो हम दौलतमंद हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें फियर और ग्रीड को ख़त्म करना है, हमें डर भी ख़त्म करना है, हमें लालच भी ख़त्म करना है। दोस्तों, दूसरी बात, हमें असेट और लाइबिलिटीज़ के डिफरेंस को जानना है। इसका अर्थ क्या है? असेट्स क्या होते हैं? असेट्स वो होते हैं जो हमारे लिए कमाई करते हैं, जो पैसा आपके लिए पैसा कमाए, जो चीज़ आपके लिए पैसा कमाए और धन कमाए, उसके अंदर वृद्धि करे, वो असेट्स हैं। और जिसके अंदर आपका खर्चा हो, हर महीने आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़े, वो लाइबिलिटीज़ हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, यदि आप एक मकान खरीदते हैं और उसे किराए पर दे देते हैं तो उससे आपको मंथली रेंट आना शुरू हो जाएगा। तो वो मकान जिस पे आपने पैसा लगाया है आपके लिए एक एसेट बन जाएगा। यदि आप एक गाड़ी खरीदते हैं और उस पे एक ड्राइवर रख कर उसे रेंट के लिए निकाल देते हैं और मार्केट में उससे पैसा कमाते हैं तो ये आपके लिए असेट हो जाएगा। यदि आप एक मकान खरीदते हैं और उसके अंदर खुद रहने का प्लान करते हैं तो आपको उसे मेंटेन करना होगा, उसकी हर महीने किश्त देनी होगी, तो ये मकान आपके लिए असेट ना बनकर लाइबिलिटीज बन जाएगा। इसी तरह से यदि आप एक गाड़ी खरीदते हैं और उस गाड़ी को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो गाड़ी आपके लिए लाइबिलिटीज बन जाएगी। आपको उसे मेंटेन करना है, उसका इंश्योरेंस कराना है, तो आपके लिए वो मंथली खर्च होने वाली एक लाइबिलिटीज बन जाएगी। हर महीने आपको उस पर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। इसी तरह से जब आप असेट्स और लाइबिलिटीज के डिफरेंस को समझ आते हैं और उन चीज़ों को खरीदते हैं जो आपके लिए असेट का काम करें, तो आप धीरे धीरे करके अमीर होना शुरू हो जाते हैं। हर महीने अपनी बचत से, अपनी इनकम से कुछ पैसे जरूर बचाएं ताकि आप उन्हें असेट में इन्वेस्ट कर सकें। अपने सारे खर्चे निकालने के बाद थोड़ा पैसा बचाना आवश्यक है, क्योंकि बिना असेट के आप अमीर नहीं बन सकते। जब आपका पैसा
जब आपकी वस्तु आपके लिए काम करना शुरू कर दे, आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर दे, तो समझिए आप सही दिशा में हैं। तीसरा, डेवलप माइंडसेट ऑफ मैनेजिंग रिस्क इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इट। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि आप रिस्क लेना शुरू करें, उसको मैनेज करना शुरू करें, उससे बचे नहीं, क्योंकि दुनिया के अंदर 90% लोग असफल इस वजह से हो जाते हैं कि वो रिस्क नहीं ले पाते। एक कहावत भी है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, उसको मैनेज करने की स्किल समझ जाते हैं, तो आप अमीर होना शुरू हो सकते हैं। बिना रिस्क लिए आप हमेशा गरीब ही रहेंगे, क्योंकि जब आप खतरा उठाने का, जोखिम उठाने का साहस ही नहीं करेंगे, तो पैसा आपके पास आएगा कैसे। इसलिए अपने आप को रिस्क देने की आदत डालिए, अपने आप को उस स्थिति में रखिए जहां पर आप रिस्क लेने के काबिल बन सकें। दोस्तों, चौथी बात, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। इसका अर्थ ये है कि आप काम सीखने के लिए करें, कमाई के लिए नहीं। जब आप काम सीखने के लिए करते हैं तो आपकी स्किल्स बढ़ जाती हैं, और जब आपकी स्किल बढ़ जाती हैं तो आपका मूल्य बन जाता है, आपका मूल्य बढ़ जाता है, आप लोगों की भीड़ से अलग खड़े हो जाते हो, आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो बिकने लायक है, यानी आप अपने आप को बेचकर खूब सारा धन इकट्ठा कर सकते हो, अपनी नॉलेज के सहारे बहुत अमीर बन सकते हो। तो दोस्तों, हमेशा सीखिए काम करते हुए, ये मत सोचिए कि मैं उस काम करने में कितना पैसा अर्न कर रहा हूँ। जब आप सीखेंगे तो आपके अंदर वैल्यू एडिशन होगा, आपकी कीमत अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो सीखने के लिए क्या करना है, आपको हर महीने अपनी इनकम से कुछ पैसा अलग करना है, वो आपको सेमिनार्स पे खर्च करना है जहाँ पर आप कुछ अलग से सीख सकें, आपको बुक्स पे खर्च करना है, उन बुक्स पे, उन किताबों पे जो आपको नई स्किल्स सिखा सकें, जो आपको एक नया बेहतर इंसान बना सकें। इसलिए हमेशा नई नई स्किल को, नई नई बातों को सीखने की कोशिश करते रहिए। जितना आप सीखेंगे उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा, और जितना आपका मूल्य बढ़ेगा उतने ही आप अमीर बनते चले जाएंगे। और दोस्तों, पांचवा, हेल्प अदर्स टू सक्सीड देम। दूसरों को सफल बनाने में उनकी सहायता करें। जी हाँ, जब आप दूसरों को देते हैं तो ये प्रकृति का नियम है कि आपके पास वापस उसी रूप में आता है। आपने सुना होगा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आपने कोई पुण्य का काम किया है तो आपको पुण्य मिलेगा, यदि आप पाप का काम करोगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। इसी तरह से यदि आप दूसरों को सफल होने में मदद करोगे, दूसरों को अमीर बनने में मदद करोगे, दूसरों को सीखने में सहायता करोगे, तो आपके पास भी वो चीज़ें लौट कर आएंगी। चौथी पॉइंट में हमने बात की थी नॉलेज की, स्किल की, लर्निंग की। दोस्तों, जो आपने सीखा है वो लोगों के साथ शेयर करिए, उनके साथ बांटिए। जब आप एक टीचर बनकर पढ़ाते हैं तो जो चीज़ आपने स्टूडेंट बनकर सीखी थी वो आपके जहन में पक्की हो जाती है, वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, और आप एक और ज़्यादा बेहतर इंसान बन जाते हैं, और ज़्यादा गुणी इंसान बन जाते हैं, और प्रकृति भी आपकी सहायता करती है, क्योंकि आपने किसी को कुछ ना कुछ दिया है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे किसी भी तरह की मदद हो। इसीलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो लोगों की मदद करें, उनकी हेल्प करें सफल होने में। दोस्तों, इस बुक से आप और भी बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। मैंने सिर्फ 5 लेसन जो मुझे अच्छे लगे वो आपके साथ साझा किए हैं। आप इस किताब को अवश्य पढ़िए, यह आपके ज्ञान चक्षु खोल देगी और आपको ऐसी ऐसी बातों से अवगत कराएगी जिसे जानकर आप एक अच्छे, बेहतर और अमीर इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, अब मैं इस बुक की समरी एक कविता के रूप में आपके साथ साझा करूंगा। रिच डैड पुअर डैड, यह कहानी है बड़ी न्यारी, सीख देती ये बहुत प्यारी। एक बच्चे के हैं दो बाप, एक गरीब दूजे पे किताब। गरीब बाप PhD पास, पर है एक सरकारी दास। अमीर बाप 8वीं पास, रखता PhD को पास। गरीब अमीर दोनों सफल, सोच में पर है बेहद अलग। एक की जरूरतें ना हो पूरी, दूजे की इच्छा ना अधूरी। गरीब बाप से खूनी रिश्ता, अमीर बाप दोस्त का पिता। बच्चा इनकी तुलना करता, अमीर से सीखूं प्रण करता। रिच डैड पुअर डैड ये बुक समझाती हमें है 5 पाठ। जीवन में उतारो तुम इनको, अगर चाहते हो सारे ठाठ। दरवे लालच के चक्कर में, चूहा दौड़ में फंसोगे। किश्त पर लेते मकान कार, सारी उम्र किश्त ही भरोगे। असेट लाइबिलिटीज जान, केवल तभी अमीर बन पाए जो पैसे को कमाए वो असेट।
लायबिलिटीज, खर्चा बढ़ाए, रिस्क लेना शर्त अमीरी की, रिस्क से बस अमीरी आए, रिस्क ना लेने के कारण ही गरीब केवल गरीब रह जाए। हमेशा काम करो सीखने को, ना ही काम बस कमाई को, किताबें पढ़ो, सेमिनार जाओ, जारी रखो निरंतर पढ़ाई को, तुम दूसरों को ऊपर उठाओ, तुम खुद ब खुद उठ जाओगे, ये प्रकृति का अटल नियम, जो बोओगे उसे ही पाओगे। अगर चाहते हो अमीर होना, इस पुस्तक को जरूर पढ़ना, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक से जीवन में खूब तरक्की करना, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक से जीवन में खूब तरक्की करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिस बुक पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए समरी लेके आऊँ, उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई बुक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।